और जो भाई आएंगे उनको भी हम सब महिलाएं जितनी भी हमारी संगठन की हैं सब मिलके स्कूलों से आस पड़ोस से अपने से सब ने तैयारी करके हजारों की संख्या में राखियां तैयार की हैं और आज हम बांधेंगे भी और तिलक चंदन और ये राखियां भी हम उनको देंगे, चंदन का टीका लगाएंगे। कुछ जवान तो छुट्टी आ जाते हैं, कई जवान वहीं रहते हैं क्योंकि बॉर्डर भी छोड़ नहीं सकते, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से रक्षा सूत्र हमारी माताओं बहनों और बच्चों के द्वारा भेजा जा रहा है। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार बस आने ही वाला है। इससे पहले ही बाजार खूबसूरत राखियों से सज गए हैं, लेकिन आज बात राखियों की नहीं बल्कि उन कलाइयों की जिन पर कुछ ऐसी बहनें राखी बांधेंगी जिन्होंने अपने भाई को कोरोना महामारी में खो दिया। इस अभियान के सहयोगी और जवान भाई को राखी भेजने वाली बहन का क्या कहना है, सुनिए। ये सैनिकों के लिए एक सम्मान है क्योंकि जैसे हम लोग भी सब एक सैनिक हैं, देश की सेवा करके अब रिटायरमेंट हो गए हैं। जब हम भी सेना में थे तो हमारे देश से राखियाँ जो है हमारे देश की माताओं बहनों के द्वारा बच्चों के द्वारा आता था सैनिकों के लिए। वही अभियान जो है हम लोग भी सेना से रिटायरमेंट होने के बाद सैनिक और समाज के लोगों को लेकर के एक अभियान चला रहे हैं, क्योंकि जो हमारे देश की चारों दिशाओं में जो हमारी सेना है, चाहे इंडिया नेवी एयरफोर्स या आर्मी हो, कुछ जवान तो छुट्टी आ जाते हैं, कई जवान वहीं रहते हैं क्योंकि बॉर्डर भी छोड़ नहीं सकते, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से रक्षा सूत्र हमारी माताओं बहनों और बच्चों के द्वारा भेजा जा रहा है। क्योंकि जब वो राखी पहने तो उन्हें ये लगे कि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की माताएँ बहनें हम लोगों ऊपर इतना गर्व करके राखी जो भेज रही हैं और उनको एक प्रेरणा मिले कि हम और अच्छी ड्यूटी करें, कि जिससे दुश्मन देश कभी हमारे ऊपर आँख उठाकर भी ना देख पाए। करीब 11,11,111 राखियाँ तो पूरे छत्तीसगढ़ से कलेक्ट हो गई है राखी, और जो बिलासपुर से लेकर के चल रहे हैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, उसके बाद यहाँ से आगे दुर्ग भिलाई ऐसे राजनांदगांव से कलेक्ट करते हुए पूरे देश से कलेक्ट करते हुए लोग उधमपुर पहुँचेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा एक सूत का धागा उनके लिए एक रक्षा बनेगी, हमारे भाइयों की और ताकत बढ़ेगी और ज़रूर उनकी आंखों में भी उतना टाइम पानी आएगा अपनी बहनों को याद करते हुए कि हमें राखियां आई हैं जैसे कि हमें हमारी बहन भेज रही है। और जो भाई आएंगे उनको भी हम सब महिलाएं जितनी भी हमारी संगठन की हैं सब मिलके स्कूलों से आस पड़ोस से अपने से सब ने तैयारी करके हजारों की संख्या में राखियां तैयार की हैं और आज हम बांधेंगे भी और तिलक चंदन और ये राखियां भी हम उनको देंगे, चंदन का टीका लगाएंगे, जिससे हमें भी खुशी होगी कि हमारे वीर भाइयों को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार रहे हमेशा और हमारी आशीर्वाद भी रहे। कोविड के टाइम में देख भी नहीं पाए और ऑनलाइन हमने उनकी अज्ञान करते हुए हमने देखा, जो कि वहाँ के सुरक्षा वाले उनको अग्नि दे रहे थे अग्नि में, मतलब शमशान घाट में, और उनने मुझे ऑनलाइन दिखाया था, उस दुख को मैं भूल नहीं पाती। मेरे 5 भाई हैं जिसमें मेरा एक भाई गया, जो मुझे बहुत दुख है, मेरी भाभी भी गई उतने ही टाइम में। आर्मी से रिटायर्ड सैनिकों का प्रयास है कि रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले राखी जवानों तक पहुंच जाए, जिससे भाई बहन के इस त्यौहार पर जवानों की कलाई सूनी न रहे।